Welcome to Sonam's Hub. I hope you all are doing great. So in today's video, I will be sharing Dahi Ruhi fish recipe with you all. So without wasting much of your time, let's start with the cooking process. Dahi Ruhi banane ke liye maine yahan pe le liya hai Ruhi fish, jisko maine thodi se turmeric aur salt ke saath mixed karke rakha hua hai. Yahan pe maine kuch green chilies le liye hain, curd hai, green chili paste, अनियन पेस्ट, कैश्यू नट पेस्ट, जो काजू के बादाम आती है मैंने उसकी अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से खड़े मसाले और गरम मसाले, दैट्स इट. सो अभी हम लोग फिश को पहले फ्राई कर लेंगे. फिश को मैंने ऑलरेडी पैन में दे दिया है, इसको अच्छे से एकदम लाल लाल करके फ्राई नहीं करना है आपको, इसको हल्के से फ्राई करके बोथ साइड फ्राई करके उतार देना है. गाइस, एज यू ऑल कैन सी, ये ऑलरेडी हल्के से फ्राई हो गई है, बोथ साइड में हल्की ब्राउन हो गई है. तो अभी हम लोग फिश को उतार लेंगे. इस पैन से मैंने फिश जो फ्राई हो गई थी उस सबको निकाल के रख दिया है. अभी इसमें थोड़ी सी, उतने ही तेल में मैंने और तेल ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें काफ़ी तेल बची हुई है. अभी इस तेल में हम लोग जो खड़े मसाले हैं वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे. तो मैं थोड़ी सी दालचीनी ऐड करूँगी, यहाँ पे लौंग ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे थोड़ी गोल मिर्च ऐड कर दूँगी. अगर आपके पास इलायची है तो आप इलायची ऐड कर देना, और अगर तेज़पत्ता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. बट मेरे पास अभी ना ही इलायची और ना ही तेज़पत्ता है तो मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ. सो ये खड़े मसाले से अच्छे से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है. तो अभी हम लोग इसमें सबसे पहले अनियन पेस्ट ऐड करने वाले हैं. इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है. ये जब हल्की ब्राउन हो जाएगी उसके बाद इसमें आपको जिंजर गार्लिक की पेस्ट और जो ग्रीन चिली की पेस्ट है वो ऐड कर देनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें खड़े मसाले ऑलरेडी मिला लिए हैं तो इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आ रही है. ये ऑलरेडी ब्राउन हो गई है तो अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ. और इसी के साथ साथ जो ग्रीन चिली की पेस्ट थी वो भी आपको ऐड कर देनी है. और अभी आपको इसको अच्छे से पका लेना है. जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता है अदरक लहसुन मिर्ची का, तब तक आपको इसे पका लेना है. और ये पक जाने के बाद हम लोग को इसमें पहले दही ऐड करना है, उसके बाद जो कैश्यू की पेस्ट है वो ऐड करनी है. सो ये मसाले से ऑलरेडी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका यही मतलब है कि ये अच्छे से पक गई है. तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, एकदम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ी सी, और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर. अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम लोग इसमें दही ऐड कर लेंगे. जो भी पाउडर मसाला हम लोगों ने अभी इसमें ऐड की है वो बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो गई है. तो आइए चलते हैं, अभी इसमें कर्ड ऐड कर लेते हैं. मेक श्योर गाइस, कर्ड ऐड करने के बाद आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाना है. और कर्ड ऐड करने के पहले आपको दही को अच्छे से फेंट लेनी है ताकि उसमें कोई लम्स ना हो. तो अभी आपको इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है. कर्ड को मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है. अभी इसको ऐसे ही दो मिनट तक पकाने के बाद इसमें मैं कैश्यू नट जो है कैश्यू नट की पेस्ट ऐड कर दूंगी. सो दही हम लोगों की जो है वो अच्छे से बॉईल होने स्टार्ट हो गई और तेल भी छोड़ने स्टार्ट कर दिए. सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन यू हैव टू ऐड द कैश्यू नट पेस्ट. तो मैं अभी इसमें कैश्यू ऐड कर रही हूँ.
अच्छे से इसको मिक्स करना है, और ये आपको तब तक मिक्स करना है जब तक काजू की जो रॉ स्मेल है वो नहीं जाती है। कैन यू गाइस सी द कलर? इट्स लुकिंग लाइक सो क्रीमी एंड सो मिल्की। बहुत अच्छी कलर है। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये ऑलरेडी अच्छे से पक गई है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो ग्रीन चिली थी उसको मैंने स्लेट कर ली है, अभी इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। रूही फिश में ग्रीन चिली ऐसे ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और अभी इसमें हम लोग थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे। जो दही की हम लोगों की बोल थी मैंने उसी में पानी लेके इसमें ऐड कर दिया है। अभी आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें आपको एक एक करके जो फिश हम लोगों ने फ्राई करके रखी हुई है वो फिश ऐड करनी है, उसके बाद इसको कवर करके थोड़ी सी पकानी है। अभी मैं जा रही हूँ फिश ऐड करने। ये बहुत ही फेमस बंगाली ऑथेंटिक डिश है, और आप लोग भी इसको, यहाँ पे जो लोग बंगाली नहीं हैं आप लोग भी इसको ट्राई करना। इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप इसको राइस के साथ खाओ तो इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। बहुत माइल्ड, काजू और दही का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अभी मुझे इसको कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है। सो मिलते हैं 5 से 6 मिनट बाद। सो गाइस इट्स ऑल रेडी। आप लोग देख रहे हो इसकी जो टेक्सचर है कितनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है दही फिश की, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली होगी तो इसकी टेस्ट अच्छी नहीं आएगी। बहुत अच्छी एरोमा आ रही है। सो परफेक्टली इट्स डन। अभी हम लोग इसमें थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अभी और थोड़ी सी मैं घी ऐड कर लूँगी इसमें। परफेक्ट, इट्स परफेक्टली डन। सो आर दही रूही इज़ रेडी। अभी मैं इस गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको मैं सर्विंग बोल में सर्व कर लूँगी। हियर इज़ द फाइनल लुक गाइस। मैंने इसको एक सर्विंग बोल में सर्व कर ली, और उसके बाद मैंने ग्रीन और रेड चिली और थोड़ी सी कैश्यू देके इसको डेकोरेट कर ली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू सून गाइस, बाय बाय।